ध्यान से देखोगे ना तो बच्ची का हाथ दिखेगा, बहुत छोटी बच्ची है। यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ जंगल है। कटंगा फ्लाईओवर के सारे पिलर खड़े हो चुके हैं। महंगाई आने वाली है, कमिंग सून। मतलब मालिकों ने बोला सारी गाड़ियों के टैंक फुल करा लो। पूरे एक बंदे ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। भाई ये सुबह सुबह डायरी मिल गई मुझे, इसमें पूरा महीने भर का हिसाब लिखना है, कितना पैसा सर का खर्च होता है। साला ये दुख कभी खत्म होगा कि नहीं। चलो इस गुफा में थोड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं। चलो थोड़ी खुशी तो मिल गई। और आज इतने काम आ गए ना कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले करूं। एक तो ये डायरी की अलग समस्या। सबसे पहले मैं जा रहा हूं स्कूल की फीस जमा करने ग्वारीघाट सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल। तो आगे आ रहा है भाई छोटी लाइन चौराहा, यहाँ पे चल रही है चेकिंग। तो गाड़ी साइड में लगा कि सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। और भाई लोग यहाँ पे ना रोज चेकिंग चलती है। चलो भाई चौराहा निकल गया, सीट बेल्ट का कोई काम नहीं। तो यहाँ जबलपुर का पोली पाता जो फॉरेस्ट इलाका है, यहाँ पे अपना काम खत्म करके आप लोगों को यहाँ का शानदार नजारा दिखाता हूँ। तो हमारा काम खत्म हो गया, फीस जमा करने आए थे, फीस जमा हो गई। अब यहाँ का शानदार नजारा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जंगल ज्यादा है, घर कम है। यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ जंगल है, पूरा का पूरा हरियाली से भरा हुआ है। और फॉरेस्ट ऑफिसर के घर भी यहीं बने, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड। और यहाँ पे एक शानदार मंदिर भी है, और जंगल के बीच में ग्राउंड भी बना है खेलने के लिए। और यहाँ पे पिकनिक की परमिशन मिल जाए ना तो सबसे बेस्ट जगह है। तो ये आ रहा है बाहर जाने का रास्ता, और अंदर आने का भी यही रास्ता है। और यहाँ से एक रोड चले जाती है ग्वारीघाट, और एक रोड चले जाती है जबलपुर सिटी, जहाँ मुझे जाना है। और ये देखो ये एक्टिवा वाला जा रहा है ना, एक हाथ में लेफ्ट साइड में बच्ची को लिए, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो दोनों को चोटें आएंगी, बताइए गलत है ना ये। ध्यान से देखोगे ना तो बच्ची का हाथ दिखेगा, बहुत छोटी बच्ची है, पूरा खून खोल जाता है ये सब देख के। ये ग्वारीघाट रोड का साईं मंदिर, चलो साईं बाबा की। और हमारे जबलपुर की ग्वारीघाट जाने वाली जो रोड है ना, सुपर से ऊपर बन चुकी है। एक स्कूल का काम खत्म करके मैं जा रहा था दूसरे स्कूल का काम खत्म करने, और रास्ते में पड़ा ये कटंगा फ्लाईओवर, जिसने अपना नया रूप लेना स्टार्ट कर दिया है। कटंगा फ्लाईओवर का जो काम चल रहा था ना, जो ब्रिज है वो पिलर से जोड़ने का काम चालू हो चुका है। कटंगा फ्लाईओवर के सारे पिलर खड़े हो चुके हैं। फिर उसके बाद स्कूल का काम खत्म करके खाना खा के सो के जबलपुर के मौसम का शानदार नजारा लेते हुए सर को जवालीपुरम क्लब छोड़ के मैं जैसे ही निकला हूं, मुझे नजर आया हमारा जबलपुर में बन रहा है जो सबसे बड़ा मॉल। और ये मॉल बहुत महंगा साबित होने वाला है जबलपुर वालों के लिए शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहे मल्टीनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट जो कि काफी महंगे होते हैं। महंगाई आने वाली है, कमिंग सून। चलो महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अब जे क्या साला पेट्रोल पंप फिर से बंद हो गए। अब ये पेट्रोल पंप बंद होने से हम लोग की समस्या बढ़ जाती है। हम लोग क्योंकि ड्राइवर हैं, क्योंकि हम ही लोग को गाड़ी लेके जाना पड़ता है। मालिकों ने बोला सारी गाड़ियों के टैंक फुल करा लो, और मैं निकल गया खाली पेट्रोल पंप घूमने, कहीं तो खाली मिलेगा। भाई लोग वो सामने पेट्रोल पंप तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। भाई मानना पड़ेगा उस बंदे को जिसने भी अफवाह उड़ाई है ना, पूरे एक बंदे ने पूरे शहर को परेशान कर दिया, अच्छे से अच्छे लोगों को लाइन में लगवा दिया। पूरा एक घंटे लाइन में लगने के बाद डीजल डरवा के मुझे इतनी शांति मिली थी ना, जैसे कि कोई जंग जीत के। आज हमारे ड्राइवर को जो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं एक और न्यू बिट के साथ बहुत जल्दी। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।